मुरैना के छिन्नौनी थाना के अंतर्गत आने वाले खेरा गांव में बन रही सड़क का काम रुक गया है। काम रुकने की वजह 1,20,000 रुपए के इनामी डकैत केशव गुर्जर द्वारा सड़क बनाने वाले ठेकेदार से टेरर टैक्स मांगने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस इस मामले को नकार रही है। बता दें कि मुरैना के खेरा गाँव में बजरगढ़ी से लेकर नेपरी तक सड़क बनाई जा रही है। सड़क बनाने वाला ठेकेदार यूपी का रहने वाला है। बीते दिनों रात में सड़क बनाने वाले मजदूर सड़क के किनारे डेरा डालकर सो रहे थे। उनके पास कुछ हथियार बंद बदमाश आए और अपने आप को डकैत केशव गुर्जर की गैंग के लोग बताते हुए टेरर टैक्स की मांग की। उन्होंने मजदूरों के साथ मारपीट भी की तथा धमकी दी कि यदि उन्हें टेरर टैक्स नहीं दिया गया तो वे सड़क नहीं बनने देंगे। यह बात मजदूरों ने सुबह होते ही अपने ठेकेदार को बताई तो ठेकेदार ने छिन्नौनी थाने में आवेदन दिया। उसके बाद डकैत के डर से ठेकेदार ने काम बंद कर दिया, जिससे सड़क निर्माण का काम रुक गया है। बता दें कि 1,20,000 रुपए का इनामी डकैत केशव गुर्जर मूलतः राजस्थान का रहने वाला है तथा उसका मूवमेंट अधिकतर वहीं रहता है। मध्य प्रदेश में उसका मूवमेंट बहुत कम रहता है तथा मुरैना में भी बहुत कम रहा है, जिसकी वजह से पुलिस इस मामले में विश्वास नहीं कर रही है। इस मामले में पुलिस की माने तो जिन लोगों ने सड़क निर्माण में लगे मजदूरों को रात में आकर धमकाया है, वे डकैत केशव गुर्जर के लोग ना होकर आसपास के गांव के लोग हैं, जो डकैत केशव गुर्जर के नाम से टेरर टैक्स मांग रहे हैं। यह बात इसलिए भी सही मानी जा रही है क्योंकि मजदूरों ने बताया कि जो लोग धमकाने आए थे उनके पास बंदूकें नहीं थी, बल्कि एक दो के पास कट्टे थे, जबकि डकैत के गिरोह के लोगों के पास राइफल व बंदूकें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर धमकाने आता तो डकैत केशव गुर्जर स्वयं आता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके नाम से कोई और अवैध वसूली करे। पक्की खबर है कि आसपास के एक गांव के कुछ लोगों की यह शरारत है जो डकैत के नाम से वसूली करने गए थे। हमने पता लगा लिया है, जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। वह आवेदन में क्या है कि किसी जो आवेदन है आवेदन में पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया गया है। इन्होंने बताया कि इस तरह का व्यक्ति है, लेकिन क्या पुलिस अभी जांच में जुटी है। जब तक फाइनल और तथ्य मिल जाएंगे तो उसके बाद आगे जो भी है पीड़ित अगर चाहेंगे कि कायमी कराना चाहते हैं या जो भी जांच कराना चाहते हैं तो उसमें कायमी या फिर जांच उसमें सहयोग कर दिया जाएगा। रतन मिश्रा, दैनिक भास्कर, मुरैना।